हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सुख भी देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार हैं, उनसे जब बीपीएससी टीआरई थर्ड के रिजल्ट के बारे में उनसे पूछा गया है कब तक घोषित होगा, देखिए उन्होंने क्या कहा। दो तीन चीज़ पर उन्होंने बताया कि जब तक रोस्टर में बदलाव पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले जो रोस्टर था वो 65% आरक्षण पर था, अब 50% पर देना। दूसरा चीज़ है कि जो हाई कोर्ट के डिसीजन जो हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, देखिए लिखा है कि टीआरई थर्ड के रिजल्ट को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने परीक्षा परिणाम तुरंत घोषित करने का आग्रह आयोग से किया है। उन्होंने कहा है कि नई वैकेंसी की अधियाचना हमने भेजी है, आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद रोस्टर में बदलाव कर वैकेंसी जारी की जाएगी। शिक्षा मंत्री यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि दो चीज़ क्लियर जब तक नहीं होगा, कि जब तक शिक्षा विभाग के तरफ से नया वाला रोस्टर क्लियर करके नहीं दिया जाएगा बीपीएससी को, क्योंकि पहले और बैकलॉग की भी जोड़ने के बाद था कि पहले का जो सीट है उसको जोड़ने की जो बात था उसको भी जब तक क्लियर करके नहीं देगा तब तक रिजल्ट नहीं होगा, समझे। तो अभी मिला नहीं है बीपीएससी को रोस्टर क्लियर, और उसके बाद जब क्लियर करके मिलेगा सब चीज़ वैकेंसी को जोड़ देगा बैकलॉग, तब हो सका रिजल्ट जारी होगा। उससे पहले आपका 1-5 का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है, 6-8 9th और 11th का आंसर की जारी होगा, तब उसके बाद जब रोस्टर क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो 1-5 हुआ है 6-8 या 9th 11th का सबका रिजल्ट बारी बारी से जारी करें। पहले 1-5 का जारी होगा, फिर 6-8 का, 9th 10th का, 11th 12th का। तो देखिए वही अक्टूबर तक आपका चल जाएगा, सितंबर में रिजल्ट जारी रहेगा, क्योंकि 27 सितंबर तक आपका OMR पर आपत्ति ही करना है, तो उसके बाद सितंबर में कम चांस है, अक्टूबर में आपका रिजल्ट जारी होने की संभावना है। थैंक यू।